कोरोना वायरस वेरियंट्स क्या होते हैं जैसे जैसे वायरस स्प्रेड होता है तो उसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं ये चेंजेस जो होते हैं इनको म्यूटेशंस कहते हैं इनके जेनेटिक कोड के अंदर चेंजेस आते हैं म्यूटेशंस जब एक्यूमुलेट होती हैं इनफ तो वो वेरिएंट बन जाता है एक वायरस का डिफरेंट एक से ज़्यादा म्यूटेशंस हो तो उसको एक डिफरेंट वेरियंट कहते हैं ये औरिजिनल से डिफरेंट होता है मगर ये डिफरेंट तरीके का वायरस नहीं होता इट्स अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल विद जस्ट अ फ्यू चेंजेस चार ऐसे वेरिएंट्स हैं जिनका मीडिया में डिस्कशन चल रहा है ये है यूके का वेरिएंट, साउथ अफ्रीका का वेरिएंट ब्राज़ील का वेरिएंट और इंडिया का वेरिएंट। सो so, हम इनको एक एक करके लेके चलते हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं इनका कर कंपैरिजन करते हैं सो so, यूके का जो वेरिएंट है ये अराउंड सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी यूके के कैंट एरिया में डिटेक्ट हुआ था साउथ अफ्रीका का वेरियंट बी ये दिसंबर 2020 ट्वेंटी जाम्बिया में डिटेक्ट हुआ था ब्राज़ील का वेरिएंट पी वन डि ट्वेंटी ट्वेंटी में डिटेक्ट हुआ था और इंडिया का वेरियंट बी वन पॉइंट सिक्स वन सेवन ये अक्टूबर या दिसंबर के करीब ट्वेंटी ट्वेंटी में डिटेक्ट हुआ था ये जो इनमें से तीन वेरियंट्स हैं ये पाकिस्तान में रिपोर्ट हो चुके हैं वो हैं यूके का वेरियंट साउथ अफ्रीका का वेरेंट और ब्राज़ील का वेरियंट इंडिया का वेरियंट के अभी तक केसेस कोई रिपोर्ट हमारे नहीं हुए हैं वायरस के चारों वेरिएंट्स की ट्रांसमिसिबिलिटी भी डिफरेंट होती है यानी कि इनका स्प्रेड वो कितनी तेज़ी से फैलते हैं यूके का जो वेरिएंट है वो अराउंड 40 टू 70 परसेंट फास्टर फैलता है यानी कि ये uh, काफ़ी तेज़ी से फैलता है साउथ अफ्रीका का वेरिएंट अप टू 50 परसेंट हायर ओरिजिनल वायरस से 50 परसेंट हायर uh, तक फैलता है ब्राज़ील का वेरिएंट भी अराउंड 50 परसेंट फास्ट स्प्रेड करता है और इंडिया के वेरियंट के बारे में अभी सफिशेंट इंफॉर्मेशन नहीं है अब मोर्टेलिटी पर आते हैं यानी कि कितना वायरस uh, खतरनाक जानलेवा हो सकता है यूके uh, का जो वेरिएंट है वो 55 से लेके 64 परसेंट तक उसकी हायर ग्रेटर मोर्टेलिटी है साउथ अफ्रीका का जो वेरिएंट है उसकी मोर्टेलिटी बिलीव है कि सेम है जो नॉर्मल करोना ओरिजिनल करोना वायरस की थी ब्राज़ील के वेरिएंट की मोटेलिटी ट्वाइस एज हाई है ओरिजिनल वायरस uh, के कंपैरिजन uh, में और इंडिया की अगेन ये नोन नहीं है वैल्यू फिर डिजीज़ सिवियरिटी यूके का जो वेरिएंट है उसकी सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा डिजीज़ वो सीवियर डिजीज़ कॉज कर सकता है साउथ अफ्रीका का वेरिएंट इज़ बिलीव टू कॉज द सेम लेवल ऑफ डिज़ीज़ जो ओरिजिनल करोना वायरस कॉज करता है ब्राज़ील का वेरिएंट जो है वो भी सीवियर डिजीज़ कॉज कर सकता है और उसमें रिपोर्टेड हुआ है कि काफ़ी यंग लोग स्पेशली कि बेबीज़ में भी ये रिपोर्ट हो चुका है ब्राज़ील में इंडिया के वेरियंट के बारे में अगेन ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास अभी लिमिटेड है सो so, यूके का वेरियंट एज यू कैन सी ज़्यादा ट्रांसमिसबल है ज़्यादा उसकी मोटैलिटी भी है उसकी डिजीज़ सीवियरिटी भी ज़्यादा है दूसरे वेरियंट्स के कम्पेरिजन में अच्छा यूके के वेरियंट में स्ट्रक्चर uh, में जो है उसमें फोटीन म्यूटेशन हैं जो उसको औरिजिनल करोना वायरस से डिफरेंट बना दी हैं इसके अलावा साउथ अफ्रीका का जो वेरिएंट है उसमें एट म्यूटेशन हैं जो स्पाइक प्रोटीन में हैं स्पाइक प्रोटीन इज वो एरिया वायरस का जो सेल से ह्यूमन सेल से अटैच होता है जाके ब्राज़ील का जो वेरिएंट है उसमें सबसे ज़्यादा म्यूटेशंस हैं 17 म्यूटेशंस हैं और 10 जो हैं वो स्पाइक प्रोटीन के एरिया में हैं इंडिया के वेरिएंट के अंदर दो स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशंस हैं और 11 और म्यूटेशंस हैं इंडिया के वेरिएंट को डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी कहा जाता है बट दैट्स अ रॉन्ग दैट्स अ मिस नोमर यह गलत टर्म है इसको इसलिए डबल वेरटीन कहते हैं क्योंकि इसमें दो म्यूटेशन ऐसी हैं जो कि दूसरे वेरियंट्स में भी पाई गई हैं मगर इसमें टोटल अराउंड एलेवन या उससे ज़्यादा म्यूटेशन हैं स्ट्रक्चर में डब्ल्यू एच ओ की क्लासीफिकेशन के अकॉर्डिंग वायर वेरियंट्स को वे, वेरियंट ऑफ कंसर्न या वेरियंट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है सो so, वेरियंट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो लेस सीवियर होता है वेरियस वेरियंट ऑफ कंसर्न जैसे कि नाम से पता चल रहा है इज मोर कंसर्निंग यूके का वेरेंट साउथ अफ्रीका ब्राज़ील तीनों वेरियंट ऑफ कंसर्न है अभी और इंडिया का वेरियंट अभी तक डब्ल्यू एच ओ की तरफ से वेरियंट ऑफ इंटरेस्ट है करोना वायरस के जो वैक्सीन हैं वो इसके वायरस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं तो अगर वायरस के स्ट्रक्चर में तब्दीली आती है म्यूटेशन आती हैं तो ऑब्वियसली ये चांस होता है कि जो वायरस है वो वैक्सीन को इस्केप कर जाएगा यानी कि उसकी वो इम्यून रिस्पॉन्स वैक्सीन का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा या इतना इफेक्टिव नहीं होगा सो इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है उसको यूजुअली एंटीबॉडीज लेवल्स जो होती हैं उसको मेजर करके इम्यून रिस्पॉन्स को मेजर किया जाता है अब हम डिस्कस करते हैं वैक्सीन इफेक्टिवनेस डिफरेंट वेरियंट्स के ऊपर यूके का जो वेरिएंट है उस पर ऑक्सफर्ड एस्ट्रोजेनिका का वैक्सीन जो कि यूके ने बनाया है वो इफेक्टिव है और मोडर्ना का वैक्सीन भी सम वॉट इफेक्टिव है साउथ अफ्रीका का जो वेरिएंट है उस पर जो साइनोफार्म का वैक्सीन लग रहा है अफ्रीकन कंट्रीज में उन्होंने बोला है वो इफेक्टिव है नोवावैक्स और जे एन जे के वैक्सीन ट्राई हो चुके हैं मगर ये इफेक्टिव नहीं रहे थे मॉडर्ना का भी जो वैक्सीन मोडर्ना भी एक बूस्टर के ऊपर काम कर रहा है जो प्रॉबेबली साउथ अफ्रीका के वेरिएंट यूके के वेरिएंट के ऊपर इफेक्टिव हो सकता है ब्राज़ील का जो वेरिएंट है उस पर फाइजर सम वॉट इफेक्टिव है अकॉर्डिंग टू एक यूएस की स्टडी मगर ब्राज़ील का वेरिएंट अभी आ, के ऊपर ज़्यादातर वैक्सीन नहीं काम कर रहा है इंडिया का जो वेरिएंट है उस पर सजेस्ट किया गया है कि जो इंडिया भारत बायोटेक का कोवैक्सिन वैक्सीन है जो उन्होंने खुद बनाया गया इंडिया में वो इफेक्टिव है इसके अगेंस्ट इंडिया के वेरियंट के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन कम है क्योंकि थोड़ा सा रिसेंटली रिपोर्ट हुआ है इंडिया के पास जो कलेक्शन सिस्टम है उनका इतना थरो नहीं है दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में तो इसलिए उनके पास जो डेटा है वो लिमिटेड डेटा है उन्होंने लिमिटेड केसेस की डेटा लिमिटेड सैंपल्स शेयर की हैं जो जि जिनकी जेनेटिक सैम्पलिंग हो सकती है और फिर डिटर्मिन किया जा सकता है कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है क्या चेंजेस हैं उसमें क्या इफेक्टिवनेस है और वैक्सीन काम करेंगे या नहीं काम करेंगे करोना वायरस वेरियंट के खिलाफ लीडिंग मैनुफैक्चरर्स जो हैं वो वैक्सीन बना रहे हैं कुछ अभी ट्रायल स्टेज में हैं कुछ बूस्टर शॉट्स होंगे उनके ओरिजिनल वैक्सीन के मगर सबसे इफेक्टिव तरीका वेरिएंट्स को वेरिएंट्स के स्प्रेड को रोकने का इस फॉलोइंग एस जितने कम पॉपुलेशन में वायरस स्प्रेड होगा उतनी कम म्यूटेशन होंगी और उतने कम वेरिएंट्स सामने आएंगे